करना सही है प्यार करने नहीं, किसी का प्यार के नहीं मारना चाहिए। दुनिया तो प्यार कर रहा था इसका, इसके लिए सजा होना चाहिए जो मारा उसको। जो सब प्यार का महत्व आप भी समझ रही हैं। हाँ। प्यार करने पे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, तो दुनिया चाहिए। वक्त मैं मौजूद हूँ अररिया में एक टोल टैक्स के पास, यहाँ आया था छोटू और आरती के केस पे थोड़ा सा तहकीकात करने के लिए। कुछ लोग मिले, एक चाची मिली है। चाची एक चीज बताइए, आरती छोटू के बारे में सुनी है क्या? हाँ सुने हैं। बड़ी आक्रोशित लग रही है, क्यों ये गुस्सा है आपके चेहरे पे आरती छोटू के बारे में सुन के? आपको सुनने के लिए जैसा मिला कि छोटू की मृत्यु हो गई, उन्हें मार दिया गया, जिस तरह से भी बड़ा गुस्सा आपको आ रहा है। हाँ, क्यों मार रहा है? जान मार दिया। जान क्यों मार रहा है, कुछ आप बताना चाहेंगे? प्यार करते थे वो लोग, क्या दो साल से सुन रहे थे प्यार कर रहा था। तो क्या मारना सही था? नहीं गलत है, इधर गलत है, सरासर गलत है, सरासर गलत है। क्यों कहते हैं किसी का औलाद को मारना बहुत गलत है, उसको फसला करता है, यह पंच है, समाज है, थाना पुलिस है, उससे लेके लड़ता। क्या प्यार के लिए मार देना सही है प्यार करने? नहीं, किसी का प्यार के नहीं मारना चाहिए। दुनिया तो प्यार कर रहा था इसका। अच्छा, जैसे बोला जा रहा है कि गांव के लोग थे या कुछ ऐसा था, ये बुजुर्ग है, आप तो बुजुर्ग है, प्यार का महत्व आप भी समझ रही है। हाँ। प्यार करने पे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, तो दुनिया चाहिए, शादी करा देना चाहिए। जात भी जबकि सेम था, जात भी सेम है, जादव था, दोनों जादव ही। बिहार में होता है कि जातिवाद होता है कि बिना एक जाति के शादी नहीं करवाया जाएगा, जाति सेम होने पे भी मार दिया गया, उनको गलत किया गया। गलत किया, अब आपकी क्या राय है? हमारा राय बहुत गलत है। क्या होना चाहिए? यहाँ पर और लोग हैं, कौन बोल रहे थे, फांसी का नाम कौन लिए? जी सर, फांसी होना, उसको फांसी होना चाहिए, छोटू का जो मारा है उसको फांसी होना चाहिए। और लोग और भी हैं, फांसी होना चाहिए, सजा होना चाहिए, लोगों का मानना है, लेकिन तहकीकात के बाद ही ये चीज पता चलेगा कि फांसी हो या क्या हो। क्या चाची? अच्छा एक बात बताइए, आदमी का फांसी देना अच्छा? बेहतरीन तहकीकात तो होनी चाहिए, जाँच होना चाहिए। छोटू के साथ ऐसा हुआ कांड, कल मेरा लड़का के साथ ऐसा कांड होगा, कल उनका लड़का के साथ कांड होगा। मतलब कि आपको भी उम्मीद है कि इस तरह का लोगों का मन बढ़ जाएगा और इस तरह बिहार में और मारते जाएगा उनको, लोग को आजादी मिल जाएगा। सही बात है चाचा, ये चाची सही बोल रही है। गलत है, सही है, उसका सजा नहीं मिलेगा तो और बढ़ जाएगा। अच्छा मतलब कि ऐसा नहीं होगा तो और केस ऐसा मिलने लगेगा, सजा होना चाहिए, ज्यादा आरती के भाभी को सजा मिलना चाहिए, उसको फांसी दे दो। आरती का भाई को, आरती का भाई का घर वाले को, आरती के घर वाले को, सुनिए ये उसको मजबूर कर दिया, लड़की को मजबूर कर दिया, लड़की अभी तक ट्रीटमेंट नहीं दे दी है, रो रही है। अच्छा। इसका मतलब ये कि उसके सर पर बटन है, साइड से कोई आदमी दबाव दे रहा है, उसका घर वाला ही मारा है। अच्छा, आरती का घर वाला, उसका भाभी बुला के मारा, भाभी बुला कर मारी है, ये आप मानती हैं? भाभी बुला के मारी है, ये आप जानती हैं? आप बोला मोबाइल में देखे, हम लोग मोबाइल में देखी है। ये केस जैसे कि आग पकड़ते जा रहा है, रो रहा है, आरती रो रही थी, बोल रहा था। आपका आपका घर भी अररिया जिले में ही आता है, इसी जगह, इसी जगह टोल टैक्स के पास, यहाँ से वो घटना जहाँ हुई है रानीगंज, कितना दूर है? बगल में है, बेसी दूर नहीं है, बगले में 25 किलोमीटर है। और आपके मन में भी दुख है इस घटना? दुख, बहुत दुख है, दुख है, बहुत दुख है, सबका दुख है, किसी का औलाद को मारना अच्छा बात नहीं है। हाँ तो इस घटना पे पूरे गांव वाले दुखी हैं और इस वीडियो आप भी दुखी हैं? पूरा दुखी है, सजा होना चाहिए लोग को, पूरा समाज दुखी है, समाज से इस वीडियो को देखने के तमाम दर्शकों का धन्यवाद। और बता देना चाहेंगे कि वीडियोस को देख के जो लोग गलत कमेंट करते हैं वो कमेंट ना करके पहले 2-3 बार इस वीडियो को देख ले। इन आपको क्या मैं जानता हूँ पहले से? आपको यहाँ पर आके पब्लिक ओपिनियन लेने का यही मकसद था कि लोगों को पता चल सके कि अररिया के लोग इस मुद्दे पे कितने आक्रोशित है। चाचा इतने गुस्से में हैं इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि छोटू से इनके कहीं ना कहीं एक मन में लगे, एक प्रेम भाव है, सबसे प्यार मोहब्बत है, प्रेम प्यार मोहब्बत के लिए ये सब कुछ चल रहा है। इस वीडियो को देखने के तमाम दर्शकों का धन्यवाद। कैमरा के पीछे थे युवराज चौहान, मैं हूँ प्रतीक परमार, जय हिंद।